जिनके पास अपने खुद के दोनों हाथ है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब, और जोरदार वाली तालियां। ताली आपको इसलिए बजानी है, जो भाग्य आज तक नहीं बदला, उन भाग्य की रेखाओं को इतना पीटो कि आज वो इस हॉल से बाहर निकलने के बाद बदल जानी चाहिए। तैयार है? मैसेल्फ प्रवीण नागर, बेसिकली ग्रेटर नोएडा से, आरसीएम से पहले 10 साल इंडियन आर्मी, पिछले 6 साल से फुल टाइम और टोटल 7 साल से इस दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूं। क्या आप भी विद्यार्थी हैं? क्या आप भी सीखना चाहते हैं? दिल दिमाग आंखें खुली होनी चाहिए साहब, आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। जय आरसीएम हिंदुस्तान। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं साहब, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम आरसीएम के किसी भी इवेंट की शुरुआत आरसीएम के प्राण गीत से करते हैं। हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे और प्राण गीत बजेगा और आप उसे महसूस करेंगे सब, प्लीज। यहाँ पर हर जन हो सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हार यहाँ ना कहे, जन स्वावलंबी बन जाए। भारत माता की, भारत माता की जय। आरसीएम, थैंक यू वेरी मच, टेक योर सीट। ऐसे कितने साथी हमारे बीच में हैं जो आज भीलवाड़ा की इस पावन धरती के ऊपर पहली बार आए हैं साहब? वाओ, बहुत ज्यादा संख्या है। मैं प्रवीण नागर टाइगर टीम की तरफ से आप सभी सक्सेसफुल लोगों का इस सफलता की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप ले जोरदार तालियां बजाइए आप। यस, ताली साहब ये कम थी थोड़ी सी, जोरदार बजाइए जोरदार। थैंक यू वेरी मच। आज से लगभग 7 साल पहले मेरी अपलाइन, जिस व्यक्ति की एंट्री मेरी जिंदगी में हुई, उस व्यक्ति का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा। वो आज मेरे बिजनेस कोच हैं, मेरी लाइफ की बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। आज से 7 साल पहले उस शख्सियत का हाथ पकड़ के मैंने चलना शुरू किया। आप ही की तरह मैं भी पीछे पीछे वाली कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, उस शख्सियत का सानिध्य मिला, आज आपके सामने हूं। वो शख्सियत कोई और नहीं, मांझे श्री सुनील शर्मा जी। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। म्यूजिक वाले भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, म्यूजिक के साथ आप बजा सकते हैं चाहे तो। थैंक यू। आने से पहले मेरे बहुत सारे बहाने थे कि मैं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 10 दिन पहले ही, और मैंने बहुत सारे बहाने लगाए, सर ये काम है वो काम है। सर ने एक बात बोली, अगर जिंदगी में कोई चीज जरूरी है तो समय निकलता है साहब। जब मैं इस भूमि के ऊपर आया, मैंने सोचा कोई कंपनी की प्लानिंग होगी, बातचीत करेंगे, कंपनी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जब हम इस धरती के ऊपर आए, शायद आप भी वो बातें महसूस कर रहे होंगे, जब यहां पे आए तो ऐसा लगा किसी बिजनेस मीटिंग नहीं, किसी सत्संग प्रांगण में हम आ पहुंचे हैं। बढ़िया, एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहां वैल्यूज हो, जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए, और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है,
कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है। क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार, जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ये कपड़ा बनाने का मशीन, इतना सारा मशीन है यहाँ पर कपड़ा बनाने। ये लोग कुछ अपना अपना ड्यूटी कर रहे हैं।